आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफी ना कर पाया, ना किसी ने किया, क्योंकि इस वक्त मैं महाभारत में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ। अहले तशय्यो जुलजना को सजदा करते हैं, जुलजना को सजदा करते हैं, ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं, ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं। हम जुलजना के पास जाएंगे और जहाँ जुलजना का बाकायदा एक कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुलजना को मरने के बाद कहाँ दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे। जुलजना के नाम पे जो घोड़े बनाए हुए हैं वो उनके नीचे से गुजरने की और उन घोड़ों को दफनाने की, हिंदू जो कुछ गाय के साथ करते थे, हम तौहीद के नाम के ऊपर वही कुछ घोड़ों के साथ कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है। इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुलजना होता है। ये जहाँ भी आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलजना, इसी जगह। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैक। ली खमसतुन उत्सी बिहा अर्रल बाबा अल हातिम अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचाओं मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही को इंतहाई मोहब्बत, अदब, आजजी और एहतराम के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का अनोखा और मुनफरिद प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफी ना कर पाया, ना किसी ने किया, कोई मेजबान इसको निभा पाया और ये कभी इम्कानात है कि ना कोई निभा पाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे अकब में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतुल आप देख सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिजाउल्लाह, चेहलुम अकेडमी, मैं और मेरी तमाम टीम उनकी खिदमत में उनके पॉडकास्ट करने की गर्ज से हाजिर हुए। उन्होंने इंतहाई लतीफ, लजीज और खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। गमे हुसैन अलग चीज, गमे हुसैन तो सुन्नत है, तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गमे हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं। जनाब 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बरआजम आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए। वो ये फरमा रहे हैं कि हुसैन का गम सोग नहीं जो 3 दिन पर मुहित है, बल्कि ये गम है और गम ता कयामत जारी रहेगा। ये गम तो आका अलैहिस्सलाम को भी रहेगा, क्योंकि आका की आल को काट दिया गया, आका की आल के गले काट दिए गए। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को तने तनहा 3 दिन की प्यास के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैनियों को हुसैन के गम से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत है। मोहब्बत मरने तक रहती है और मुवद्दत मरने के बाद भी जारी उछारी रहती है। क्लिप आपने देख लिया। आज हम अहले तशय्यो मकबाए फिक्र की जानिब हाजिर होंगे और अहले तशय्यो मकबाए फिक्र के जो नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में ऐसे तल्ख सवालात रखेंगे जो आप भी सुनना चाहते हैं। मसलन जुलजना, जो इन्होंने उस घोड़े को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े से तशबीह दी या निस्बत दी, उसके नीचे से गुजरना, उसको दफन करके उसकी दफनगाह पे सजदा करना और फिर माज़ल्ला जुलजना का पेशाब पीना और फिर शादीशुदा जोड़े का उसके करीब जाना और उनका फिर निकाह भी टूट जाना, ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर अकायद जो हैं ये शिया मशरिक की जानिब मंसूब किए जाते हैं और शिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुबैना तौर पर करते भी हैं। आइए हमारे साथ। अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि हकायत दर हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? क्या हाल है अहमद भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जुलजना करबला में क्या किरदार रहा? जुलजना के दफन करने की जगह को इन्होंने सजदागाह बना रखा है, जुलजना का पेशाब भी पीते हैं ये,
क्योंकि इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्यो जुलजना का पेशाब पीते हैं, जुलजना को सजदा करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी है कि जुलजना के करीब से गुजरे शादीशुदा जोड़ा तो निकाह टूट जाते। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीजें बिदात से तसव्वुर की जाएंगी और ये बिदात ही हैं। हम जुलजना के पास जाएंगे और जहां जुलजना का बाकायदा एक कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुलजना को मरने के बाद कहां दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे, और जब ये जुलजना को सजदा करते हैं इस हवाले से भी इनकी राय लेंगे, ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं इस हवाले से हम बात करेंगे। मगर जुलजना के पास जाकर हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बातों को, जिन मामलात को खुराफात कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अल्लामा साहब ने अपनी राय भी दी और ज़ाहिर जो हकायक हैं इनके मसलक के हवाले से जो एक छाप है इन पर उसको भी अल्लामा साहब ने अपने तय क्लियर किया और ज़ाहिर के मसलक के अहले तशय्यो की नुमाइंदगी भी इस वक्त कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ जुलजना को दफन किया जाता है और उसको दफन करने के बाद उस जगह पर सजदा भी किया जाता है। ये तमाम तर इल्जाम जो हैं ये जाहिर है कि इनकी तर्दीद कर सकते हैं या इस हवाले से अल्लामा साहब तस्दीक कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुलजना होता है। मुहर्रम के दिनों में आप ये ज़ियारत देखते हैं कि जब ये बरामद होती है तो लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस जुलजना को देख सकते हैं। मैं अल्लामा साहब जरा तल्ख सवालात करने जा रहा हूं और ऐसे सवालात शायद आज से पहले आपने सोशल मीडिया पर सुने हो मगर जवाब देने की कुव्वत, ताकत या अंदर ही अंदर आप में हिम्मत हो या ना हो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि इस जुलजना का ये निस्बत है, ये एक घोड़ा है लेकिन जुलजना से निस्बत है, इसका किरदार क्या रहा है मैदान कर्बला में? जुलजना असल में ये वफा की अलामत है हमारे लिए तो कि करबला में इस जुलजना ने, इस यानी घोड़े ने जिसे हम निस्बा आप निस्बत दे रहे हैं करबला के जुलजना के साथ, इसकी वफा की मिसाल ये है कि इसने अक्सर तीर अपने जिस्म पर पेवस्त करवाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की खातिर, तो ये असल में वो उसकी वफा की निशानी है जो हम इसी तरह इनसे 1400 साल से हम ये इसी तरह अगर कर रहे हैं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये वफा की अलामत है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि जो शिया हजरात हैं, जो लोग अहले तशय्यो में बीमार पड़ जाते हैं, शिया लोग जुलजना का बचा हुआ खाना उस बीमार को देते हैं और वो बीमारी से सेहतयाब हो जाता है, इस बात में कितने सदाकत है? ये आपके मसलक पर इल्जामात है, इसकी तर्दीद करें या तस्दीक करें? मैं बड़ा क्लियर कहूं कि ये हमारे लिए एहराम के काबिल तो है क्योंकि इसकी निस्बत करबला से है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका बचा हुआ खाना हम किसी शिया मोमिन को देते हैं या वो खाते हैं और वो नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऐसे इल्जामात हैं ताकि तशय्यु को बदनाम किया जाए। करबला में मुझे बताइए कि यही घोड़ा था? नहीं, ये घोड़ा नहीं था। तो क्यों रखा हुआ आपने जनाब? जो अपना जो मस्जिदें हैं जिनमें हम नमाजें पढ़ते हैं, क्या ये वही मस्जिद है जो मस्जिद नबी में है? मस्जिद नबी की सारी तशबीहें हैं जी, ठीक है, ठीक, मस्जिद नबी की सारी तशबीह है, ठीक है। और हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा सामने नहीं होता जी, तो हमारी अपना नजर में सिर्फ खाना काबा होता है, तो ये तशबीह है खाना काबा की, जैसे हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों की तशबीह है मस्जिद नबी की, इसी तरह ये जुलजना तशबीह है उस जुलजना की जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। बिल्कुल, निस्बत है, ये कुर्बानी का जानवर देखे ना, अब कहा जाता है कि जनाब जो ही जिलहज शुरू होगा तो कहा जाएगा ये जानवर लेना है, इसमें दाग ना हो जी, इसमें ये बेदाग होना चाहिए जी, ये लूला लंगड़ा ना हो जी, फिर जनाब इसे मारना ना, इसे जोर से ना खींचना, क्यों भाई? ये वो दुम्बा तो नहीं है जो इब्राहिम और इस्माइल के लिए आया था? जा, जा, वो नहीं है जा, तो कहते हैं जनाब वो नहीं, क्योंकि निस्बत है बाबा, ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के जुलजना की निस्बत है। बिल्कुल सही, हाँ, कुरान कहता है ये रसूल मुअज्जम के जुलजना की निस्बत है, इसलिए इसका एहतराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम कम से कम हजरत इब्राहिम और इस्माइल को इस दुम्बे का करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है ये और ये आपके मसलक पर एक छाप भी है और शायद बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या आपके मसलक में जो जमाते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी जमात हो या कोई ऐसी जमात हो वो ऐसा करती भी हो,
जुलजना का पेशाब पिया जाता है रितेश मकबरे से। अब देखें, मैंने आपसे पहले कहा जब वो झूठा खाना जो वो दाना या वो खाता है वो नहीं होता तो जुलजना पेशाब एक पेशाब तो नहीं जैसी है, ये चीजें हैं हाँ, वो लेकिन ये गलत है, प्रोपोगेट है, सिर्फ तशय्यों को बदनाम करने की साजिश है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, हुआ क्या, कभी होगा भी नहीं। अच्छा ये कौन सी वो अब ऐसे, ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। मुहर्रम में या आम दिनों में, आम महीनों में जब कोई शादीशुदा जोड़ा जुलजना के करीब आता है उसका निकाह टूट जाता है, आपके ख्याल से आप इस बात को कहां तक देखते? सर देखें, गुजारिश ये है कि निकाह इतनी कमजोर चीज़ तो है नहीं कि वो जुलजना के करीब आके टूट जाए। अपना आप रोजाना सैकड़ों घोड़े देखते हैं सड़कों पे दौड़ते हुए, वो घोड़े देखने से तो किसी का निकाह नहीं टूटता, हालांकि वो बगैर कपड़ों के होते हैं। ये तो फिर मुहर्रम में हम बाकायदा तौर पे सजा के लेके आते हैं, तो अगर उन घोड़ों के को देखने से निकाह नहीं टूटता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना की शबीह से निकाह कैसे टूट सकता है? ये सिर्फ अपना चीजें हैं, प्रोपोगेट किया गया है ताकि लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही, लोग करीब ना, बिल्कुल सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं जाता था कि करीब ना जाना मोहम्मद के, जादूगर है। जी हाँ जी हाँ जी, माजरा। तो वो करीब जब, क्यों, मकसद क्या था? जो करीब जाता था वो मोहम्मद का ही सल्लम का हो जाता था। सुभान अल्लाह। अब यानी आपका कहना यह है कि जो इसके करीब आएगा वो इसका हो जाएगा? यार वो इससे मुराद ये है, उसे पता लगेगा हकीकत क्या है। हकीकत ये नहीं है कि हम झूठा खाना खाते हैं, हकीकत ये नहीं है कि इसका पेशाब पिया जाता है, हकीकत ये नहीं है इससे सजदा किया जाता है, हकीकत ये नहीं है कि जनाब हम इसकी इबादत करते हैं, ना इबादत परवरदिगार आलम की है। अलावा मैंने एक सोशल मीडिया क्लिप देखा इंतहाई माजरत के साथ, अब आप ये ना कहिएगा वो तशय्यो नहीं थे। अब जिस जगह पर जुलजना को बांध रखा है उस जगह को उसने सजदा गाह बना लिया, वो शख्स बाकायदा सजदा कर रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, आप कहें तो मैं अभी चलवा देता हूं, वो तशय्यो है भाई, देखिए तशय्यो का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तशय्यो का अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, तशय्यो का अकीदा है अली वलीउल्लाह। अगर कोई बंदा जुलजना की जगह पे जाके सजदा करता है तो वो शियत को उसका ताल्लुक नहीं है। तो आप कहेंगे वो सुन्नियों का था? नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, वो हो सकता उसका अपना अकीदा हो, मैं उसे फिक्र जाफरिया से नहीं कहूंगा, वो खुद को कह रहा है वो हो सकता है। आप एक के कहने से क्या होगा भाई? नहीं, हम मेरे कहने से नहीं, हमारे यहाँ 99 बल्कि 100% लोग ऐसे हैं जो ये बातें नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ। गैर मुल्की लोग जब उसको सजदा करते हुए देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि पाकिस्तान के शिया ऐसे भाई। लेकिन उसे अब मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे मौजूद है वो कह रहा है ना कि वो गलत है, डिनाई कर रहा हूँ मैं उस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और वो जो बंदा भी परवरदिगार आलम के मुकाबले किसी को लाएगा वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अहले तशय्यो जो है वो रब परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला वो रब को मानते हैं। हाँ, अल्लाह वाहिदुन ला शरीक है, वही सजदे के काबिल है, अहद है, कुल हुवल्लाह अहद, अहद है, सजदा फकत परवरदिगार आलम की जात को है। बिल्कुल सही, बेहतरीन पे। मुझे ये भी बताइए कि कुल नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, जब अजल आ जाती है और ये मर जाता है, इसको आप कहां दफन? अच्छा, हमारे यहाँ, अब यहाँ हमारे यहाँ मैं अच्छा ये भी कहा जाता है बाकायदा कब्रिस्तान बनाया नहीं, 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 मैं अब आप अल्लाह की तरफ से आप खड़े हैं तो आज ये भी बात हो जाएगी। यानी हमारे यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं 3 से 4 जुलजना हमारे उनकी अपना इंतकाल हुआ, ठीक है, 10-15 साल के, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ भी आप खड़े हैं ना यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलजना, इसी जगह पे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, इसी जगह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्यो की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां इस वक्त जुलजना खड़ा है इसी के पांव के नीचे जुलजना दफन है। हाँ, यहीं खड़े हैं, यहीं दफन किया गया। अब ये कोई मुबालगा ऐसे काम नहीं, ना, ये मुबालगा राय नहीं, यहीं दफन किया गया है। और कौन कहता है कब्रिस्तान हम बनाते हैं या उस पे, यहीं दफन किया गया है। इंजीनियर साहब, ये तो आपसे भी सवाल है भाई, तो भाई एक जुलजना के नीचे जुलजना भाई, नहीं कोई ऐसी, ये सिर्फ तो ऐसी मसले के अहले तशय्यो को बदनाम किया जा रहा है ना भाई, अनदेखी, क्योंकि हम तो अनदेखी देंगे। हाँ, इसके नीचे 2-3 सुलझना है, यानी जो डेथ हुई है उसे दफन किया। अच्छा, तो यही यही पे। हाँ, जब फिर आपने दूसरा सुलझना दफन किया तो पहले को देखा, पहले नहीं, कुछ भी नहीं था, हड्डियां थी। हाँ, कुछ भी नहीं था, वो यकीनन वो फासला होगा ना, पहले हमने ज्यादा ग्राउंड कर लिया होगा फिर कम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे कहाँ कब्रिस्तान, ये कब्रें बनी हुई है। सही है,
बिल्कुल सही, ये बिल्कुल यहीं पे दफन किए हैं हमने। कोई कब्र नहीं है भाई, नाज़िने का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ कब्र नहीं है भाई। आप अहमद नसीर ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में एक अनोखा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज से पहले कोई सहाफी कोई मेजबान ऐसा प्रोग्राम नहीं निभा पाया जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको डॉक्टर अहमद नसीर दिखा रहे हैं कि भाई ये जुलजना का कब्रिस्तान है, मगर कब्रें नहीं बनी हुई। जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं कब्रों को जमीन के बराबर करो, वही कर दी ना अली भाई, कर दी, नहीं तो हो गई। अच्छा ये नहीं प्रोपोगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है ऋषियों को, ना ये पेशाब पीते हैं, ना झूठा खाना खिलाते हैं, ना ये खबरें बनाते हैं, ना वहां सजदा करते हैं, नहीं, तो फिर ये कहता कौन है? ये वो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ होंगे, लेकिन हमारे भाई हैं। देखें जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका कौन मुखालिफ होगा, मुझे लगता है। अब यही तो बात है ना, अब ये जुलजना का ताल्लुक भी तो हुसैन से है, निस्बत से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब ये तो अपना हर इंसान का एक अपना। अच्छा मैं आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक आप बात भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शिया के आलिम हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अब वो गालिबन शिया नहीं रहे, मुबैना तौर पर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम के दिनों में मेरा बच्चा चाहता था कि जुलजना के नीचे से गुजरूं। अच्छा लोग गुजरते हैं, आप क्या गुजरते हैं कोई वो नहीं है कि शिर्क किया जा रहा है, जस्ट अकीदतन वो जुलजना के नीचे से बच्चे को गुजार देंगे। फायदा वो जो गुजार रहा है ना, उसके जहन में ये है कि ये क्योंकि इसकी निस्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना के साथ, तो हो सकता है मेरा बच्चा बीमार है कोई, वो कहता है हो सकता है शिफा मिल जाए। ठीक, जैसे अब देखें शिफा देने वाली तो परवरदिगार आलम की जात है, हाँ रब की जात है। जैसे अब हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या बाकी मुसलमान हैं, लोग अपना क्या कहते हैं मजारों पे जाके दुआएं मांगते हैं, लोग जनाब अपना हिंदू जो है पत्थर के सामने जाके अपनी मन्नत मांगते हैं, सिख उनका अकीदा है, तो ये जस्ट लाइक एक अकीदा है। अगर मसलक तमाम मसालिक एक जैसे हो तो फिर मसलक ही ना हो, ये मसालिक की मुख्तलिफ इसी वजह से मुख्तलिफ है। तो एज सच ये नहीं है कि सजदा किया जाता है और किया है क्या है, ये जस्ट लाइक एक किसी बंदे का अकीदा है कि वो ये समझता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं मेरे लिए बेहतर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दोस्त, लेकिन इससे ये मैं आपको क्लियर करूं कि ये वो नहीं है कि अहले तशी के उसूल दीन में ये चीजें शामिल नहीं है। हाँ ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अहले तशी का अलग दीन नहीं है ना। हाँ तो जुमला ही गलत हो गया, अहले तशी का दीन हाँ गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत है, दीन इस्लाम ही है, दीन इस्लाम है। हाँ मसले के अहले तशी में भी ये चीजें नहीं है, नहीं है, नहीं। ये अब अगर कोई बंदा अपने तौर पे कर लेता है तो हम उसे शियत के साथ तो नहीं ना कर सकते। ठीक है कि जनाब के शिया, यानी जैसे यानी मुहर्रम के जुलूस होते हैं, बहुत सारे अहले सुन्नत के लोग भी वहां आए हुए होते हैं। बिल्कुल। अच्छा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैं एक वाकया भी आपकी खिदमत रखना चाहता हूँ, और सबसे पहले आपकी जात मैं क्लिप चलवाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की खिदमत में जब उनका एक शिया दोस्त मुबैना तौर पर हाजिर हुआ, क्या वाकया सुनाता है, क्लिप आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए जरा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामला, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं। वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा तो घोड़े ने उसको एक ठोकर लगा दी, दरती मारी। तो कहते हैं बाबा ये हुआ, उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हजरत हुसैन का जुलजना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ठीक है, ये इनका बनाया हुआ जुलजना है। जी क्लिप आपने देखा, मैं वाकई आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका दोस्त उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, शिया आलिम है बहुत बड़े, नाम उन्होंने नहीं लिया, सिगा राज में रखा। उनका बेटा मुहर्रम के दिनों में जुलजना के नीचे से गुजरने वाला था, जुलजना ने टांग मार दी, वो गिर गया। तो उन्होंने फिर शियत को छोड़ा और ये कहा कि बेटा अगर ये इमाम हुसैन का घोड़ा होता तो तुमको कभी टांग ना मारता। देखिए मेरा तो ख्याल इस पे नो कमेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि है तो जानवर ना। है तो जानवर ना। अब इसे हम वो इसे जानवर को जानवर, एक जुमला आपकी जान से, करबला में तमाम इंसान जानवर बन गए थे और जानवर इंसान बन गया था, वफा की सूरत। तो ये अपना ये तो ऐसे ही कि वो अगर ये होता तो ये आई थिंक नो कमेंट्स इस पे, बिल्कुल बात ही नहीं है, ये फजूलियात में से है मेरा, बिल्कुल सही।
और अगर वो ऐसी कोई बात है तो वो मौलाना का नाम बताएं जरा, मैं उन मौलाना से गुफ्तगू तो करूं, पूछूं तो सही। उन्होंने खुद नहीं बताया, वो नाम सिगार हाल में रखे। वही कह रहा हूं ना, इंजीनियर साहब से खुद भी पूछूं। आपका बहुत शुक्रिया अलामा सदुंग नकवी एडवोकेट साहब, आपने खसूसी वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और ऐसे जाहिर है जो कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल हैं आपने उनके जवाब इतहाई खूबसूरती के साथ दिए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स से महफूज हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।